हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर सुनाई दे रही है? जो जो हमसे कनेक्ट हो चुके हैं, सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए, जो जो कनेक्ट हो चुके हैं, सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी फाइल को, वर्ड फाइल है या आपके पास पावर पॉइंट है, कोई सी भी फाइल है, तो उसको आप ऑनलाइन कैसे कन्वर्ट करेंगे एज अ पीडीएफ। आपको कोई फाइल इमेजेस हैं तो उनको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो आज हम समझने वाले हैं, है ना। तो जैसे हम गूगल क्रोम पर जाते हैं, डायरेक्ट आपको पीडीएफ लिखना है, आप कौन से फॉर्मेट में आपको बदलना है यहाँ पर बताना रहेगा। जैसे यहाँ पर पीडीएफ टू वर्ड भी शो हो रहा है ना, सजेशन में आपको दे रहा है, पीडीएफ टू जेपीजी दे रहा है ना, पीडीएफ एडिटर दे रहा है, अलग अलग टाइप से। तो हम क्या करने वाले हैं, पीडीएफ जो हमारा क्या बोलते हैं, वर्ड टू एक्सेल या पीडीएफ जो भी कन्वर्ट करना है, या पीडीएफ कन्वर्टर सर्च करेंगे, ठीक है। देखते हैं ये इसमें क्या होगा कि ये आपके पास पीडीएफ फाइल होगी तो वो क्या होगी कि वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए। पर अभी हम क्या करने वाले हैं कि वर्ड फाइल को, है ना, जैसे हमको कोई वर्ड फाइल है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट आप क्रोम पर जाओगे, फर्स्ट वेबसाइट या फिर ये जो सेकंड वाली आपको वेबसाइट दिख रही है, smallpdf.com, इस पर सर्च करोगे। यहाँ पर आपको फाइल अपलोड करने का बोलेगा, या फिर आपके पास ओपन है तो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर सकते हो, है ना। यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास कोई सी वर्ड फाइल है क्या। जैसे ये हमारे पास एक वर्ड फाइल है, इसको हम ओपन करते हैं, है ना, मतलब यहाँ पर ये पहले अपलोड होगी, ठीक है। जो फाइल है आपके सिस्टम से कहाँ पर जाएगी, वेबसाइट पर जाएगी, और वेबसाइट से वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये हमारी जो फाइल थी, इस तरह से कुछ इसका वर्ड फाइल थी, उसको हमने क्या कर लिया, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको डाउनलोड करते हैं, आप यहाँ पर नाम देख रहे होंगे, .pdf आ गया है ना। इससे पहले जो फाइल थी वो कौन सी थी, वर्ड में थी। अब इसको देखते हैं ये पीडीएफ में कन्वर्ट हुई है या नहीं, है ना। देखिए, ये जो फाइल है हमारी पूरी पीडीएफ बन चुकी है। इसका आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पर जो एक्सटेंशन होता है, जैसे यहाँ पर क्या है, .pdf है, तो ये कौन सी फाइल है, पीडीएफ फाइल है ना। इसी तरह से आप दूसरी फाइल भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास कोई पावर पॉइंट की फाइल है ना, या फिर जैसे हम पीपीटी जिसको बोलते हैं, पावर पॉइंट बोलते हैं, टू पीडीएफ कन्वर्टर, डायरेक्ट आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स मिल जाएंगी, है ना। कैसे करना है, जैसे पीडीएफ पीपीटी टू पीडीएफ करना है हमको, हम देखते हैं कौन सी वेबसाइट देखना है हमको, ये फ्री है। पर यदि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में करना है, मतलब ज़्यादा पेजेस की फाइल को कन्वर्ट करना है, तो आपको फिर उसका पेड वर्जन लेना होता है। कुछ आपको यहाँ पर क्रेडिट्स जो मिलता है फ्री मिलते हैं, बाकी आपको क्या करना पड़ता है, उसका पेड वर्जन खरीदना होता है ना। जैसे हम देखते हैं हमारे पास कोई सी फाइल है क्या, यहाँ पर वर्ड पीपीटी फाइल है ना, चलिए इसका एक्सेल फाइल को देखते हैं, है ना।
पीडीएफ पीपीटी फाइल नहीं है हमारे पास इसमें कोई सी, ठीक है, एक्सेल टू पीडीएफ है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, पीडीएफ बनाना सीख रहे हैं। ये वेबसाइट जो है फ्री है ना, सेम इंटरफेस होता है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं है ना, जैसे ये है इंक्वायरी डाटा है ना, ये कोई हमारी एक्सेल फाइल है ना, और इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं किस में, पीडीएफ में। ये हो गई है, अपलोड भी हो चुकी है, डन लिखा आ गया है, मतलब आपकी जो फाइल है वो क्या है, कन्वर्ट होकर आ चुकी है। तो हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड, देखते हैं हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है क्या। ये कुछ इस तरह से, अब अगर एक्सेल फाइल होती तो क्या होता है, इसमें रो कॉलम्स वगैरह आपको यहाँ पर दिख रहे होते है ना, जो शीट बनी हुई होती है पूरी वो यहाँ पर आपको दिख रही होती है ना। इसी तरह से कोई सी भी फाइल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं है ना, जैसे इमेज है ना, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, ये smallpdf.com आ गया है ना, इसी पर सर्च करते हैं, देखते हैं इमेज से पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेम प्रोसेस वही है ना, इमेजेस में देखते हैं हमारे पास है क्या कोई सी, ये इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं हम, तो ये इमेज ली हमने, इसको करना है क्या पीडीएफ में कन्वर्ट है ना। इसमें एड फाइल और कर सकते हैं, यदि आपको इसमें अलग अलग साइज का करना है ना, पेपर ऑटोमेटिक सेलेक्टेड भी है इसमें A4 साइज का, और भी अलग अलग साइज में अगर लेना है, इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा, मतलब पेमेंट करना होगा। ठीक है, अभी हम एक ही पेज है हमारे पास, तो इसी को लेते हैं, ये हमने अपलोड कर दी, ये हो रही है कन्वर्ट है ना, देखिए ये हो चुकी है कन्वर्ट, इसको डाउनलोड करते हैं। ये फाइल आपकी कैसे हो गई है, पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, कौन सी फाइल थी हमारे पास, इमेज फाइल थी, पर इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है पीडीएफ फाइल में। अच्छा, पीडीएफ फाइल का उपयोग क्या है, पीडीएफ फाइल का उपयोग क्या है बताएंगे, इमेज है तो इमेज भी भेज सकते हैं ना, पीडीएफ ही क्यों रिक्वायर्ड होता है, पीडीएफ फाइल ही क्यों मांगते हैं, क्योंकि पीडीएफ की क्वालिटी अच्छी होती है किसकी अपेक्षा, इमेज की अपेक्षा। यदि आप इमेज किसी को भेज रहे हो तो क्या होता है, वो इमेज जो होती है ब्लर हो जाती है ना, उसके पिक्सल्स गड़बड़ हो जाते हैं, पर जो पीडीएफ होती है उसमें ऐसा नहीं होता है, जो ओरिजिनल फॉर्मेट आपकी इमेज है वही फॉर्मेट में जाएगी। ठीक है, ये आपको आया होगा समझ है ना।